भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक स्थित तपस्वी नर्सिंग होम के आईसीयू में नाथनगर के युवक अमित कुमार की मौत अस्पताल के आईसीयू में हो गई, जिसके बाद परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाकर चित्कार करने लगे। वहीं घटना को लेकर थाने को भी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच डॉक्टर के कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों को शव ले जाने के दौरान पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। वहीं पुलिस के द्वारा बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। मृतक के पिता का कहना है कि बेटे का दिल का धड़कन बढ़ गया था, जिसके बाद डॉक्टर विनायक कृष्ण सहित कई डॉक्टरों को दिखाया गया था, जिस पर दूसरे डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल में सेक दिलाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद परिजन यहां मरीज को भर्ती किए थे, लेकिन डॉक्टर ने यहां मरीज को सेक नहीं दिया और आज दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है और इसके लिए वो मामला दर्ज कर दोषी को सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जब मीडिया कर्मी घटना की सूचना के बाद लिफ्ट से फोर्थ फ्लोर पर जा रहे थे तो अस्पताल के कर्मचारियों ने आधे घंटे तक लिफ्ट को बंद कर दिया, जिसके बाद मीडिया कर्मियों द्वारा कई लोगों को फोन करने के बाद लिफ्ट चालू किया गया। मेरे बेटे का हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, जिसको रमेश यादव डॉक्टर साहब के से इलाज कर रहे थे। 3 दिन से दवाई चल रहा था, बहुत कम सुधार, कभी अप डाउन होता था। तो हमारे को चचा डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतीश चंद सिन्हा महागामा में, वो भी प्रैक्टिस अच्छा चलता है, उनका रिटायर कर गया है। तो उनको हम व्हाट्सअप किए तो बोला बेटा तुम जो है ना विनय कृष्ण को जाके दिखाओ, बढ़िया रिपोर्ट नहीं है। हम कल संडे था, हम शाम में आके विनय कृष्ण को दिखाए। विनय कृष्ण देखने के बाद एक भी एक दवा लिखे और बोला कि इसका एक ही इलाज है, इसको सेक लगा दीजिए, 24 घंटा में ठीक हो जाएगा, आप आराम से जाइए, इसको पोसना नहीं है इस रोग को, 3 दिन हो गया, बहुत हो गया, इसको तुरंत सेक लगाइए, हॉस्पिटल चले जाइए या आईसीयू में चले जाइए, यहाँ तपस्वी में आपका 10,000 खर्चा होगा, ठीक हो जाएगा। और बाद में जब बढ़िया ठीक हो जाएगा ना तो मैं एम्स में जाके दिल्ली में एक बार दिखा दीजिएगा, एक वायर बन जाता है अंदर हार्ट के पास, इसको इलेक्ट्रिक से डिस्वाई कर देगा, ठीक हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। हम लाके इसको भर्ती किए, 20,000 रुपया पैसा लिया, और उस समय जिसमें भर्ती कराना है ऐसा डर आया कि लगे कि हमारा पेशेंट बहुत ही है, और उसके बाद भर्ती कर लिया। हम इसको कहे कि सर विनय बाबू ऐसे ऐसे बोले हैं, सर इसको बिजली का सेक का क्या चार्ज है बता दीजिए हमको, आप ही डॉक्टर हैं, हम जो अपने अनुसार से करेंगे। हम कहे सर वो कंपाउंडर थोड़े थे सर, वो भी तो डॉक्टर है, उसकी बात को माना जाए। बोले ठीक है, दवाई इसको रख लिया रात भर सर, सुबह फिर हम इसको 10 बजे कहे सर डॉक्टर साहब को कि आप बिजली सेक लगाए, तो आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, हम इसको दवा से ठीक कर लेंगे ना। हम कहे सर दवा 3-4 दिन रखिएगा, फिर बिजली सौंप दीजिएगा, 4 दिन का चार्जो लिए, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे सकेंगे आपको, तो आपको रोगी से नहीं है, पैसे के लिए ममता है। उसके बाद हम फिर विनय कृष्ण के पास गए, उनको टेलीफोन किए हमारे सामने में, बोला क्या स्थिति है उसका जी, बिजली से नहीं लगा है, नहीं सर दवाई से नहीं कर, अभी 80 हार्ट बीट है। अरे पेशेंट को कम से कम एगो ECG करके कागज थमा दो, संतुष्टि हो जाएगा, काहे कागज थमाएगा सर, 1 घंटा नहीं हुआ गया पेशेंट सीरियस है। क्या लगता है लापरवाही के? लापरवाही, लापरवाही, पैसा ऐठने के लिए लापरवाही,
लापरवाही कर। हाँ हाँ, वो पैसा सिर्फ आईसीयू का पैसा लेने के लिए उसने ऐसा काम किया है। क्या नाम सर लड़का का? अमित कुमार। आपका? कपिल देव सिंह। कहाँ दर्द हुआ? नॉर्थ नगर नुसरत खानी।